इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली के सेक्शन में पैकेज टू में जो पहला पिलर बनाया जा रहा है उस पिलर को दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है, कितना काम हो गया है और उसका क्या टाइमलाइन है उस पिलर को कंप्लीट करने का। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे के इस पहले पिलर को मैं नाम दूंगा पिलर ऑफ होप, जैसा मैंने नाम दिया था गुड़गांव के पैकेज थ्री के सेक्शन में जो पहला पिलर बना था सेक्टर 108 और 109, जहाँ पे 4x4 लेन का अब एलिवेटेड रास्ता बन गया है, उस जगह पे जो पहला पिलर बना था उसे मैंने नाम दिया था पिलर ऑफ होप। तो वो गुड़गांव का पिलर ऑफ होप है और अभी जो मैं आपको इस वीडियो में पिलर दिखाने वाला हूँ जहाँ पे पिलर का काम शुरू हो रहा है वो दिल्ली के सेक्शन का पिलर ऑफ होप है, जो हमें ये होप देता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे अपने टाइम तक या टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, हम इसे डिले होने नहीं देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मैप समझा देता हूँ। ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, ये बंद रोड है जिसे बंद कर दिया गया है फिलहाल। यहाँ से पैकेज थ्री शुरू हो जाता है और ये जो अलाइनमेंट है ये पैकेज टू का अलाइनमेंट है। ये नजफगढ़ कापासहेड़ा रोड है, अगर हम इस तरफ जाते हैं तो हम कापासहेड़ा की तरफ चले जाएंगे, अगर हम इस तरफ जाते हैं तो पहले राघवपुर रोड का इंटरसेक्शन आएगा जहाँ पे एमसीडी टोल है और उसके बाद नजफगढ़ का सेक्शन आ जाएगा छावला ब्रिज को क्रॉस करने के बाद। तो ये वीडियो जो है वो मैं आपको यहाँ का दिखाने वाला हूँ, इस पॉइंट का। ये भड़तल चौक है, ये सेक्टर 25 है द्वारका का, ये सेक्टर 26 है द्वारका का, मैं आपको ये सेक्शन दिखाने वाला हूँ। ये सेक्शन फ़िलहाल यहाँ से और यहाँ से बंद कर दिया गया है तो नॉर्मल पब्लिक के लिए ये एक्सेसिबल नहीं है, इस वजह से जो आप नहीं देख सकते हैं वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या काम चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन पे यहाँ पे क्लिक करके ऑल को प्रेस करें। आप ज्वाइन पे क्लिक करके मुझे क्राउड फंडिंग के थ्रू हेल्प भी कर सकते हैं। इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज टू में हूँ और ये वो सेक्शन है जिसे क्लोज कर दिया गया है पब्लिक के लिए। सेक्टर 28 और 27 वाला सेक्शन है। इस वक्त मैं जिस जहाँ पे खड़ा हूँ वो सेक्टर 28 है और ठीक यहाँ अगर आप पीछे देखेंगे तो पाइलिंग का काम चल रहा है। यही डिवाइडिंग वाला पिलर होगा सेक्टर 27 और 28 में। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 27 है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो सेक्टर 28 है। तो आइए, यहाँ पे कुछ पाइलिंग का काम ऑलरेडी काफ़ी दिनों से चल रहा था, अब यहाँ पे पिलर का काम शुरू हो गया है। तो पिलर के बारे में जानते हैं कि कैसा काम है और क्या उसका टाइमलाइन है, ये सब जानते हैं। आइए, तो मैं यहाँ अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे ये सेक्शन कुछ से नहीं खोला जा रहा है क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको एक हाई टेंशन टावर दिख रहा होगा। तो ये काफ़ी लो हैंगिंग हाई टेंशन वायर है जो यहाँ से जा रही है, इस वजह से इसको नहीं खोला जा रहा है। ये दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है उसको ये हाई टेंशन वायर्स को हटाना है। तो जब वो हटाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे ये रास्ता खुलेगा हम लोगों के लिए। फिलहाल यहाँ पे पाइलिंग का काम हुआ है। पाइलिंग का काम ऑलरेडी हो चुका है तो पाइलिंग को अब हटाने का काम चल रहा है। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको वो अंदर का भी दिखाने का। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पहला पाइल जो है दिल्ली में वहाँ पे इसे खड़ा किया जा रहा है। ये देखिए, ये पैकेज टू का पहला पाइल है। आइए यहाँ पे इंजीनियर से बात करते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पिलर, मैं जूम कर देता हूँ, ये तो इसका जो पाइलिंग का काम था उसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था जब ये शुरू हुआ था यहाँ पे पाइलिंग का काम। आई थिंक 2.5-3 महीने पहले वो काम चल रहा था यहाँ पे जब मैंने वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो भी किया था इसी जगह से जब ये रोड बन रहा था, सामने वाला ब्लैक टॉप हो रहा था तब। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पैकेज टू का यानी कि सेक्टर 21 से लेकर जो सेक्टर 21 अंडरपास है दिल्ली का, वहाँ से लेकर जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है पैकेज टू और थ्री का, उसके बीच में ये पहला पिलर है। तो जैसे मैंने नाम दिया था गुड़गांव के पहले पिलर को जो पैकेज थ्री में बना था पिलर ऑफ होप, तो ये जो पिलर है दिस इज़ पिलर ऑफ होप कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनेगा और जल्दी बनेगा। और पैकेज टू का जो टाइमलाइन है कंप्लीट करने का वो जुलाई 2021 है। और आइए इस पिलर के बारे में जानते हैं, ये पिलर कब से बनना शुरू हुआ था? ये पिलर 9 तारीख से चालू हुआ है, 9 मार्च। तो इसमें सीमेंट करके कंक्रीट कब कर देंगे, मतलब जब लोग आके देखे कि यहाँ पिलर बन गया पूरा एक? वो तो अभी उसका ऑर्डर नहीं आया है। अच्छा, ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर क्लियर का हुआ है। तो कब तक बन जाएगा आपको क्या लगता है, 1 महीने में बन जाएगा अगले? कौन है वो पिलर? हाँ, 1 महीने कहाँ लगेगा, तो रेडी है, खाली
ये कंक्रीट करना बाकी तो है। कब करेंगे कंक्रीट, वही तो पूछ रहा हूँ। अब ये तो साहब लोग बताएंगे, आ रहे हैं। अच्छा ये बताएंगे। हाँ। अच्छा इनसे पूछ लेता हूँ मैं। पूछ लीजिए। क्या नाम है इनका? कैसे हैं आप? ये पिलर का काम, इसमें कंक्रीट कब से करना शुरू कर देंगे? इसमें हमारा वो नहीं है अभी तक परमिशन। तो फिर भी कब करेंगे इसको कंक्रीट? एक दो दिन। एक दो दिन मतलब मैं अगले हफ्ते आऊंगा और देखूंगा तो ये पिलर का काम, मतलब हाँ, पिलर बन चुका होगा? नहीं नहीं पिलर नहीं, नीचे पहले फाउंडेशन का कंक्रीट करेंगे लोग। नहीं अच्छा नीचे फाउंडेशन अभी कंक्रीट नहीं हुआ है? नहीं अभी नहीं हुआ। अच्छा चलते हैं सामने से देखते हैं ना। चलिए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। तो ये वो पहला पिलर है जिसके बनने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे जानते हैं कि पिलर में क्या क्या काम अभी बचा है और क्या क्या काम हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको क्या बोल रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं? ये हम लोग इसको पाइल कैप बोलते हैं। पाइल कैप? पाइल कैप। तो ये पाइल कैप कितना विड्थ है इसका? इसका 5.1। 5.1 मीटर। हाँ। अगर मैं गुड़गांव वाला देखूँ ना पाइल कैप, तो वो ज़्यादा चौड़ा है, ये इतना चौड़ा नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? वो जैसा ड्राइंग आया ऊपर से उसी हिसाब से हम लोगों ने तैयार किया इसको। अच्छा तो उसके ये पाइल कैप में आप सीमेंट का कॉन्क्रीट का काम कब से शुरू कर देंगे? दो दिन बाद। दो दिन बाद। इसमें कितना कंक्रीट जाएगा इस वाले में? जाएगा 52 MQ। 52 MQ। MQ जी। MQ मतलब वो जो मिक्सचर वाली मशीन होती है उससे 52 बार जाएगा? नहीं अब जैसे एक जो मिक्सचर होता है उसमें 6 MQ भी आता है, 7 MQ भी आता है। अच्छा हाँ ओके। और ये पिलर में फिर कब करना शुरू करेंगे आप कंक्रीट वाला काम? इसके बाद। इसको सूखने में कितना टाइम लगेगा? 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में मान लीजिए सूख गया? हाँ सूख गया। एक दो चालू कर सकते हैं। तो आप एक्चुअल में कब चालू करेंगे, जब हम लोग आके देखे कोई यहाँ पे कि यहाँ पे पिलर खड़ा हो गया पहला पिलर, तो वो कब दिखेगा? ऐसा तो कोई दिन फिक्स नहीं होता, अंदाजन फिर भी एक हफ्ता 15 दिन। हमारे इसका अभी वो सेटरिंग होता है वो भी नहीं आया अभी तक। अच्छा हाँ सेटरिंग आएगा उसके बाद ही काम चालू होगा। तो इस पैच में इतने कम लेबर क्यों दिख रहे हैं, काम कम क्यों दिख रहा है, मतलब भरा होना चाहिए अभी तो काम शुरू हो गया है अभी। एक्चुअली हमारी ड्राइंग पूरी तरह से नहीं आई है। अच्छा वो ड्राइंग कहाँ से आनी है? NHAI से आता है। अच्छा NHAI ने आपको अभी पूरा ड्राइंग नहीं दिया है? ठीक है। तो फिलहाल ये पहला पिलर है जिसको आप देखेंगे बनता हुआ, और यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चले जाएँ तो जहाँ पे आपको कुछ पेड़ दिख रहे हैं वहाँ पे नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है, और उसके बाद जो है वो दूसरा सेक्शन आया था जहाँ पे डॉकिंग यार्ड है, और उसके बाद पैकेज 3 आता। तो इस सेक्शन से जो आप मान के चलिए जो यहाँ का बॉर्डर है वो तकरीबन 900 मीटर के करीब का है, और यहाँ से अगर हम इधर जाएँ तो यहाँ पर दूसरा रास्ता है, और यहाँ से अगर हम आगे चले जाएँगे तो बर्तल चौक आ जाएगा, लेफ्ट साइड में सेक्टर 26 आएगा और राइट साइड में सेक्टर 25 आएगा। और फिलहाल ये जो आप हाई टेंशन टावर देख रहे हैं इसके वजह से ही आप यहाँ से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये जो आप वायर्स देख रहे हैं ऊपर ये काफ़ी लो हैंगिंग है, इनको ऊपर उठाना है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को, उसका भी मैं आपको टाइमलाइन बताऊंगा कि वो कब तक होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, अब वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, और सबके साथ शेयर कीजिएगा, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा। आप जितना वीडियो में कमेंट करते हैं उसको लाइक करते हैं या वीडियो के साथ इंटरेक्शन करते हैं या वीडियो को शेयर करते हैं, यूट्यूब क्या करता है उतना ही इस वीडियो को बाकी लोगों तक पहुँचाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका द्वारका एक्सप्रेसवे बाकी लोगों तक भी पहुँचे और बाकी लोगों को पता चले कि द्वारका एक्सप्रेसवे क्या है, बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता कि द्वारका एक्सप्रेसवे क्या है, उसका टाइमलाइन क्या है, तो आप अगर चाहते हैं कि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे तो हर वीडियो में जितने भी वीडियो मैं डालता हूँ सब पे जाके कमेंट कीजिए, सबको जाके लाइक कीजिए, ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। जितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये वीडियो बना के डालना उतना ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है कि आप वीडियो में कमेंट लाइक और उनको शेयर ज़रूर करते रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, और वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन पे यहाँ पे क्लिक करके ऑल को प्रेस करें। आप ज्वाइन पे क्लिक करके मुझे क्राउड फंडिंग के थ्रू हेल्प भी कर सकते हैं। ऊपर वीडियो का एक टैब है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं जो भी मैंने अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे, और उसके बाद आता है ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन जहाँ पे आप अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे का लेटेस्ट अपडेट, दिल्ली साइड के द्वारका एक्सप्रेसवे का अपडेट, राघवपुर या 75 मीटर रोड का जो अपडेट है, ऐसे काफ़ी सारे प्लेलिस्ट हैं, आप उन पर भी जाके वो पर्टिकुलर वीडियोज़ देख सकते हैं।
फिर आता है कम्युनिटी टैब। यहाँ पे मैं जो भी फोटोग्राफ्स डालता हूँ या जो भी अपडेट्स डालता हूँ रेगुलरली, आप वो अपडेट्स देख सकते हैं। फिर आता है स्टोरी का सेक्शन, जहाँ पे मैं छोटे छोटे स्टोरीज डालता रहता हूँ रेगुलरली, आप वो अपडेट्स यहाँ देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो इसी वीडियो में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक इसी जगह पे, वहाँ पे आप कमेंट करके मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं या आप मुझे जो चाहें वो बता सकते हैं।